सीधी तस्वीरें जहां पर संजौली को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। हिटलर वाली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिटलर वाली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुओं पर लाठी चार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पर लाठी चार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 97% होने के बाद आज हम लोग अपने बच्चों के अधिकारों के लिए जगह जगह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परंतु सरकारें प्रशासन के कान पर जू रेंगने वाली नहीं है। हम लोग निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक साल से लेके कोई भगवा वस्त्र पहन करके अपना नाम परिवर्तन करके हिमाचल प्रदेश में घूम रहा है। एक एक तारीख के ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। 20 साल से आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहने हुए की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे यहाँ पे कुछ एक ये विशेष वर्ग के लोग नहीं थे, हमारे साथ सभी लोग थे, सौहार्दपूर्ण रहते थे। वो ना तो कभी नमाज की बात करते थे, ना कभी मस्जिद की बात करते थे, परंतु ये जो ये छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के जो ये लोग आए, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का पूरा वातावरण, पूरी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी। आज जगह जगह भूमि अधिग्रहण का किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पे ये हमारे आसपास की जमीनों को, हमारे मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं। ये लोग कौन है? हिमाचल प्रदेश में निरंतर आवाज उठाए जा रहे हैं, परंतु सरकार कहा भी था, सरकार ने विश्वास करे भी तो किसका करे। जब वो सत्ता में बैठे थे उन्होंने कहा कि 97% सनातनियों को हरा के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लियाकत अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? संजौली मस्जिद को लेकर लगातार विवाद जो है वो गरमाया हुआ है, देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है? जो देवभूमि संघर्ष समिति है संजौली मस्जिद मामले को लेकर जो है पूरे प्रदेश में जो है आज धरना प्रदर्शन कर रही है, खासकर एसपी और डीसी ऑफिस के बाहर। और सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि 5 तारीख को, जिस तरह से 5 अक्टूबर को इसको लेकर फैसला आना है, सरकार इस पे लिपापोती करने की कोशिश न करे। यदि सरकार ऐसा करती है तो जो देवभूमि संघर्ष समिति है पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन शुरू कर देगी। तो जिस तरह से मस्जिद विवाद है उस पर 5 तारीख को फैसला आना है, उससे पहले देवभूमि जो संघर्ष समिति है और हिंदू संगठन है वो जो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पे काम कर रही है और इस सीधे तौर पर चेतावनी भी दे रही है कि यदि 5 तारीख को इस पर फैसला नहीं आता है तो पूरे प्रदेश में जो है हिंदू संगठन सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। तो फिलहाल आज पूरे प्रदेश में करीब 16 जगहों पर ये हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं वो जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साहिल, बिल्कुल लियाकत, कई हिंदू संगठनों का समर्थन यहाँ पर देवभूमि संघर्ष समिति जो है उनके प्रदर्शन को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आज का मसला नहीं है, लगभग पिछले 10 सालों से ये मसला चला आ रहा है। और जब जो प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पर अवैध घोषित किया गया है तो उसके बाद भी किसी तरह का कोई फैसला ना आना, यही एक बड़ा कारण है ये प्रदर्शनकारियों की नाराजगी का। अगर इसकी बात करें, संजौली मस्जिद की बात करें, तो ये जो है राजनीतिक संरक्षण में जो है ये मस्जिद बनी है। कांग्रेस की सरकारें भी, बीजेपी की सरकार भी रही, पिछले 5 साल में भी इसमें काम हुआ, लेकिन तब इसको लेकर कोई भी संगठन जो है इसके खिलाफ ने आवाज नहीं उठाई। हालांकि जो नगर निगम है वो कार्रवाई कर रहा था, उस नगर निगम जो कमेटी थी उसको जो है नोटिस पे नोटिस दे रहा था कि आप इसका काम बंद करें, आपने अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके इसको लेकर जो है कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। और दूसरी बात ये देखा जाए तो शिमला में अगर इसी तरह के जो अवैध निर्माण हुए हैं उनके जो मामले हैं वो भी पिछले अगर 10 से 15 सालों से लड़ते हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अब सरकार सामने ये मामला आया और जिस तरह से हिंदू संगठन जो इसके खिलाफ हुए हैं, इस मामले पर देखा जाए तो राजनीति भी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले 10 सालों तक कोई भी संगठन सामने नहीं आया। पीछे बीजेपी की सरकार थी 5 साल, उस समय भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। ऐसे में जिस तरह से अगर देखा जाए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो जाहिर बात है कि जो अन्य संगठन है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ज्यादातर जो है भाजपा समर्थित लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है आप जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, 5 तारीख को इस पर फैसला आना, सबकी निगाहें उस पर है, कमिश्नर कोर्ट क्या फैसला जो है इस मस्जिद को देता है शायद। बिल्कुल, और लियाकत जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले भी जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था, आज भी जो समिति है वो प्रदर्शन के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। अब माना जा सकता है कि अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला यहाँ पर नहीं लिया जाता है तो उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र रूप धारण कर लेगा। बिल्कुल साहिल, सीधी सी बात है कि आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो है संकेतिक तौर पर सरकार दबाव बनाने की रणनीति के तहत जो है तरह से जो है पूरे हिमाचल में जगह जगह जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए ही आज जो है एक माना जाए कि पूरे प्रदेश भर में जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर उतरे हैं। तो 5 की जो देवभूमि संघर्ष स्थिति है, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस मस्जिद विवाद को लेकर कोई फैसला नहीं दिया जाता है